नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कोई आपको कहे कि कुछ चंद 200-300 रुपए के लिए एक शख्स ने दूसरे शख्स की जान ले ली, और वो भी शख्स कोई अनजान नहीं, खुद उसी का दोस्त, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद किसी को यकीन ना हो, लेकिन आजकल चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए दोस्त अपने ही दोस्त की जान ले लेते हैं। ऐसा एक मामला हाल ही में फसे विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन की हद में घटित हुआ, जहां पर नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में रात के समय में दो दोस्तों में आपसी लेन देन, 280 रुपए का लेन देन सिर्फ, उसको लेकर कहा सुनी हुई, और एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर सीमेंट के ब्लॉक से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी खुद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जोन 3 के उपायुक्त सुहास बावचे ने दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है सुहास बावचे का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आसपास एक वाकया रिपोर्टेड हुआ था, जो तुलिंज ओवरब्रिज है उसके नीचे एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। हमारे जो बीट मार्शल थे राउंड पे, तो वो तुरंत स्पॉट पे जाके जख्मी व्यक्ति था उनको तुरंत कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर ने चेक करके उनको मृत घोषित किया था। इसके बाद तुरंत तुलिंज पुलिस स्टेशन में इसके चलते जो एक्सीडेंटल डेथ का केस है वो रजिस्टर करके तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। तुलिंज पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है वो शैलेंद्र नगरकर साहब, इन्होंने वो बात का महत्व समझकर तुरंत अपने डिटेक्शन टीम ब्रांच जो है हमारी, उसके दो टीम इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिए थे। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त में CCTV फुटेज और कुछ टेक्निकल चीज़ें और बाकी जो हमारे इन्फॉर्मर वगैरह है, ये सब लोगों का सहारा लेके ये चीज़ें सामने आई कि एक बटला करके जो उसका एक 18 साल का दोस्त था, उसी दोस्त ने 280 रुपये जो उसने मृतक को दिए थे, जो वो वापस नहीं कर रहा था, इसके चलते दोनों का झगड़ा हुआ था, और झगड़े के इसमें रात को 2 बजे उसने उसके सर पे जो एक सीमेंट का ब्लॉक है, उस सीमेंट के ब्लॉक से घाव करके उसकी जान ले ली थी। ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंस होने के बाद में, या फिर हमको रिपोर्ट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर एकदम स्विफ्ट तरीके से कार्रवाई करके ये जो आरोपी है, आरोपी को धर दबोच कर उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद में उसका 4 दिन का कस्टडी रिमांड लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये पूरे केस में जो सूझबूझ और जो पैनापन इन्होंने तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और इनको लीड करने वाले इस तुलिंज विभाग के जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है श्री शशिकांत भोसले जी, तो इनके मार्गदर्शन के द्वारा और हमारी पूरी डिटेक्शन टीम इनके प्रयास से आरोपी को 24 घंटे के अंदर ताबे में लेने में हम कामयाब रहे। आरोपी जो है, आरोपी छोटे मोटे कैटरिंग के काम किया करता था, जो भी मतलब उसको आते थे, और उसके बाद में वही अपना जो ब्रिज के नीचे या सड़क किनारे कहीं पे भी जगह मिलती थी वहाँ पे रहने। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786